सो इन लास्ट सेशन हम लोगों ने देखा है रिसाइकल बिन किया है, कॉपी कैसे करना है, कट कैसे करना है, वो सब कुछ। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू सेशन, सेशन नंबर 5, इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स सॉफ्टवेयर। टुडे ऑल ओवर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर ओवर नेट इंटरनेट, द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यस, क्या सब कुछ हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है? कहीं पर भी जाते हम लोग इंटरनेट की ज़रूरत होती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले, यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है? इंटरनेट का। द फर्स्ट वर्केबल फॉर्म ऑफ इंटरनेट केम इन 1969 विद द क्रिएशन ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, द फुल फॉर्म ऑफ आर्पानेट, अंडरलाइन दिस सेंटेंस, इन USA अंडर द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यानी कि फर्स्ट वर्केबल, यानी कि पहला जो इंटरनेट था वो वर्केबल कब आया? 1969 में। और किसने बनाया? आर्पानेट ने। किसके अंडर में? USA, अंडर द डिफेंस ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर में। आर्पानेट अलाउड मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ऑन सिंगल नेटवर्क। यानी कि आर्पानेट एक ऐसा था जो अलाउ कर रहा था कि मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ आप लोग यानी कि कम्युनिकेशन कर सको उन सिंगल नेटवर्क, यानी कि उसके साथ आप लोग सिंगल नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन करना है तो वो किसके थ्रू होता था? आर्पानेट के थ्रू। इन 1990 इंटरनेट केम इन वाइडर यूज व्हेन कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि 1990 में इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़, यानी कि वाइडर यूज, सभी लोग इसको यूज़ करने लगे। बट किसकी वजह से? द कंप्यूटर साइंटिस्ट पर्सन टिम बर्नर्स-ली के इन्वेंटेड की वजह से, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब बनाने की वजह से। इंटरनेट इज़ मोस्टली यूज फॉर कम्युनिकेशन। इंटरनेट सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज़ होता है? कम्युनिकेशन करने के लिए। दिस डेज ईमेल इज़ एट द टॉप ऑफ द लिस्ट अमंगेस्ट ऑल द फीचर्स यूज ऑन इंटरनेट। यानी कि इन सबसे इंटरनेट हमें सबसे पहले क्या यूज़ करने के लिए? नावडेज जो भी हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, वो सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ पर हम लोग उसको यूज़ करते हैं कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र करने, चाहे उसमें फाइल हो, वीडियोज़ हो, ऑडियो हो, चाहे कोई भी हम लोगों ने डेटा है या फिर कोई भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी, तो भी हम लोग इंटरनेट यानी कि ईमेल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एज वी नो दैट इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज विच इज़ वाइडली यूज बाई एवरी वन एंड इट हैज़ ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड वेरी क्लोज। यानी कि इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम लोग सभी लोगों को वाइडली उसको यूज़ भी करते हैं और सभी जगह पे सभी पर्सन उसको पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे वर्ल्ड को क्लोजली यहाँ पे लेके आ रहा है। सो इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, इजी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सोफिस्टिकेटेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि इतना इजी है, इतना पॉपुलर है, कॉस्ट वाइज भी इतना इफेक्टिव है ताकि सभी लोग उसको यूज़ करें और उसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन भी करते रहे। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का, यानी कि एक दूसरे नेटवर्क से बना हुआ इंटरनेट। इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड विथ ईच अदर। यानी कि कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स है उसको वो कनेक्ट करके पूरा नेटवर्क बनता है। इंटरनेट हेल्प अस टू एक्सेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। इंटरनेट हमें क्या हेल्प कर रहा है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप लोग उसको यूज़ करो, उसकी मदद से आप लोग कोई भी अपने प्रोजेक्ट है या फिर अपने कोई भी होमवर्क है उसको कंप्लीट कर सकते हो, या फिर इंटरनेट के थ्रू आप लोग कोई भी टॉपिक के बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है तो भी आप लोग उसको शेयर कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट रेंजेस फ्रॉम वेरियस टाइप्स सच एज टेक्स्ट फाइल, म्यूजिक फाइल्स, वीडियो क्लिप्स, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट के थ्रू आप लोगों को कोई भी टाइप में मिल पाएगी, चाहे वो फाइल टेक्स्ट में हो, म्यूज़िक के थ्रू हो, वीडियो के थ्रू हो या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू। बट वो इन्फॉर्मेशन में क्या मदद करेगी? अपने होमवर्क में, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द इंटरनेट इज़ दैट इट इज़ इजियर फॉर पीपल टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। यानी कि सबसे बढ़िया फीचर्स किसका है, क्या है? कि इजियर फॉर पीपल टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। यानी कि अगर एक दूसरे के पर्सन के साथ हम लोग को बातचीत करनी है तो सबसे बढ़िया वे है ताकि हम लोग उसको यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी पर्सन के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। नाउ इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट वन टर्मिनोलॉजी इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। वर्ल्ड वाइड वेब इज नोन एज WWW इज़ द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन इंटरनेट। यानी कि
वर्ल्ड वाइड वेब में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द साइंस, अबाउट द मैथ्स, अबाउट द एसएस, या फिर कोई भी टॉपिक के बारे में आपको कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया है तो उसके बारे में सारे के सारे इंफॉर्मेशन लॉट्स ऑफ पेजेस में अवेलेबल है। इट कंटेंस मिलियंस ऑफ वेबसाइट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, एनिमेशन, पिक्चर्स एंड वीडियोज़। यानी कि वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन किस में अवेलेबल है, वेबसाइट के थ्रू आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। वो इंफॉर्मेशन किसके कौन से वे में मिलेगी आपको, एज अ टेक्स्ट के थ्रू, एज अ एनिमेटेड वीडियो के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, या फिर कोई भी यूट्यूब के वीडियोज़ है उसके थ्रू आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वेबसाइट एंड वेब पेजेस, अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट आर लिंक्ड टूगेदर। वेबसाइट क्या है, वो कलेक्शन है किसका, वेब पेज का। जैसे हम लोग बुक होती है तो बुक में हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा पेजेस है तब भी हम लोग उसको बुक बोलेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसी चीज़ है कि जो भी आपकी वेबसाइट है वो रिलेटेड वेब पेजेस से बनी हुई, जो एक दूसरे के साथ लिंकअप है। यानी कि एक पेज ओपन किया तो उसके थ्रू हम लोग दूसरा पेज भी वहीं से उसके लिंक के थ्रू हम लोग उसको ओपन करवा सकते हैं। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वेबसाइट। अ वेब पेज जनरली कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, लिंक, एनिमेशन एक्सेट्रा। वेब पेज में क्या होगा, टेक्स होगा, इमेज होगी, ऑडियो होंगे, वीडियो होंगे, उसकी कुछ लिंक्स दी गई होगी किसी पेज दूसरे पेज की, या फिर एनिमेशन, ऐसे कई सारे आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। होम पेज, द होम पेज इज़ द फर्स्ट वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट कोई भी अगर आप लोग ओपन करते हो जिसमें आपको फर्स्ट पेज जो भी आपको दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, होम पेज। इट प्रोवाइड्स इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन एंड द लिंक्स टू अदर पेजेस ऑफ द वेबसाइट। उसमें क्या रहेगा आपको, यानी कि उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी किस टाइप की, इंट्रोडक्टरी टाइप की, यानी कि इंट्रोडक्शन। जो भी वेबसाइट अगर आप लोग ओपन करते हो, सपोज मैंने कोई भी वेबसाइट ओपन की तो उस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या उसका विज़न है, क्या उसका मिशन है, क्या क्या वो चीज़ प्रोडक्ट यानी कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, या फिर दूसरे पेज की लिंकअप भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड की गई होती है। नेक्स्ट वन इज हाइपरलिंक। अ हाइपरलिंक इज द टेक्स्ट और इमेज दैट लिंक्स वन वेब पेज टू अनदर। हाइपरलिंक क्या है, या फिर हाइपरलिंक ऐसी चीज़ है जो आपको टेक्स्ट भी होता है या फिर इमेज भी होती है, जिसको क्लिक करने से आपको कोई भी दूसरे वेब पेज में या फिर उसी वेब पेज में आपको सारी के सारी उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहीं से मिल जाएगी। इफ़ यू मूव द माउस कर्सर ओवर अ हाइपरलिंक द पॉइंटर विल चेंज टू द शेप ऑफ ए हैंड। यस, कि इफ़ यू मूव द माउस कर्सर, यानी कि माउस के थ्रू अगर आप लोग वहीं पर चले जाते हो तो उसके थ्रू हाइपरलिंक पॉइंटर आपको दिखाएगी इस वीडियो में आपको, या फिर ये लिंक में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उसके रिलेटेड आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नोटिस द हाइपरलिंक इन दिस इमेज ऑफ द विकिपीडिया वेबसाइट। यहाँ पर आपको दी गई है कि आपको कौन सी लिंक दी गई, विकिपीडिया की। विकिपीडिया के थ्रू अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर हाइपरलिंक के थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है कि मेरा माउस का कर्सर जहाँ पर है वहीं पर उसके थ्रू मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्या है, किसके रिलेटेड बताया गया, वो इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ वेब ब्राउज़र। अ ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन, यानी कि वेबसाइट ऑन द वेब। ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है यानी कि उसी की मदद से हम लोग अगर इंटरनेट के थ्रू कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसको यूज़ करने के लिए हमें ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोग यूज़ करते ही हो, सफारी है, गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो ऐसे कई सारे वेब यानी कि वेब ब्राउज़र का आप लोग यूज़ करते ही हो। URL, द फुल फॉर्म ऑफ URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ अ एड्रेस। यस, जैसे मुझे किसी को लेटर भेजना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एड्रेस ज़रूरी है। तो सेम चीज़ फॉर द इंटरनेट, कि अगर कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट में अगर मुझे जाना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यूनिक एड्रेस, यानी कि उसका वेब एड्रेस। अ URL इज़ द यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट दैट इज़ एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। URL क्या है, एक ऐसा एड्रेस यानी कि उसी वेबसाइट को अगर मुझे यूज़ करना है इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट पे, तो वहाँ पर मुझे उसका ही एड्रेस ज़रूरी है। So that is the meaning of URL. Next one is electronic mail. Electronic mail means, next one is electronic mail. The most widely used internet based communication tool is an email. यानी कि इंटरनेट का सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। द
द टर्म ईमेल रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है ईमेल, उसका फुल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू द इंटरनेट बाय यूजिंग स्पेसिफिक ईमेल एड्रेसेस और ईमेल आईडीज. यानी कि ईमेल के थ्रू आपको क्या कर सकते हो, इज अ वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके थ्रू अगर आपको किसी को मैसेज सेंड करना है या फिर किसी का मैसेज रिसीव करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट बाय यूजिंग द स्पेसिफिक मेल एड्रेस, यानी कि उसका पर्टिकुलर मेल आईडी होना ज़रूरी है, या फिर आप लोग मेल आईडी या फिर ईमेल एड्रेस को भी यूज़ कर सकते हो. इट आइडेंटिफाइज द रिसीवर विथ एन एड्रेस सिमिलर टू द पोस्टल मेलिंग सिस्टम. यानी कि जैसे हम लोग रेगुलर मेलिंग सिस्टम है कि अपने पोस्ट कोई भी कुरियर करते तो वहाँ पर हमें पर्टिकुलर क्या देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा टू एंड फ्रॉम. तो सेम थिंग फॉर द हियर, कि यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, उसका ईमेल आईडी यानी कि ईमेल एड्रेस देना ज़रूरी है. तभी जो भी पर्टिकुलर आपका एड्रेस होगा वहीं पर जाके उस पर्सन को या फिर उस कंपनी को वहाँ पर आपको मेल यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने शेयर करना चाहते हो वो शेयर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होगी. info@eduitspl.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल एड्रेस. यानी कि ये क्या है, इज ए एग्जाम्पल है. जैसे हमारे विनय स्कूल का है info@vinayschool.edu.in, तो वो क्या हुआ, इज ए ईमेल एड्रेस. ईमेल सिस्टम इज मैनेज्ड बाय मेल सर्वर. यानी कि जो भी कंपनी हमें ऐसी सिस्टम प्रोवाइड करती हो वही उसको मैनेज करेगा. जैसे कि गूगल, तो गूगल हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी, जीमेल अकाउंट, तो उसी के थ्रू उसी के मेल सर्वर के थ्रू हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. There are so many mail servers available on internet such as Yahoo Mail, Gmail, Hotmail, Rediffmail and so on. Through email we can send any type of information such as text messages, music files, video files, images, etc. यानी कि इसके थ्रू, यानी कि ईमेल के थ्रू आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, वर्ड फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, म्यूजिक फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो या फिर कोई भी टाइप की इमेजेस हो, आप लोग उसी के थ्रू यानी कि सेंड कर सकते हो. इट स्टोर्स द मेल्स इन द इनबॉक्स एंड अलाउ द यूज़र टू रीड देम एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस और लोकेशन. यानी कि वो क्या करेगा, जो भी आप लोगों के मेल आए हैं, रिसीव हुए हैं, वो आपके इनबॉक्स में स्टोर हो जाएंगे. यानी कि यूज़र को जब भी उसको रीड करना है, चाहे कोई भी टाइम हो, कोई भी प्लेस हो या फिर कोई भी लोकेशन जहाँ पर आपको इंटरनेट प्रोवाइड होता हो वहीं से आप लोग उसको रीड कर सकते हो. नाउ एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. First one advantage, email offers many advantages over traditional mailing system listed below. First one, sending and receiving email is very fast. यानी कि हम लोग traditional अगर mail system में देखें तो हम लोगों ने कोई भी courier letter को post किया है तो हमें 2 या 3 दिन के बाद मिलेगा. लेकिन same thing, email में क्या होगा कि आप लोगों ने जो भी message को send किया है या फिर receive कर रहे हो वो very यानी कि easily आपको तुरंत जल्दी से जल्दी वो मैसेज आपको सामने प्रेजेंट हो जाएगा. इट इज़ रिसीव्ड एंड डिलीवर्ड विद इन सेकेंड अक्रॉस द वर्ल्ड. यानी कि अगर कोई भी मैसेज अगर आप लोग रिसीव करते हो या फिर सेंड करते हो वो सामने वाले पर्सन को विद इन अ सेकेंड्स पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह पे अगर वो पर्सन बैठा है तो वहाँ पर उसको तुरंत ही मिल जाएगा. ईमेल इज एन एफोर्डेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम. यानी कि ईमेल क्या है, वो हमारे अफोर्डेबल में है. कोई भी उसके लिए पर्टिकुलर में अलग से कोई भी चीज़ को पे नहीं करना पड़ेगा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ को हमें परचेज नहीं करना पड़ेगा, तो हम लोग उसको दूसरे तरीके दूसरे कम्युनिकेशन के थ्रू हम उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं. सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट. एनी टाइप ऑफ फाइल्स कैन बी सेंड एज एन अटैचमेंट थ्रू ईमेल. यानी कि सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल में क्या है, वेरी इजी है. हम लोग कोई भी पर्सन को इजीली नॉर्मली उसको बता भी सकते हैं, उसको दिखा भी सकते हैं. बट नाउ कोई भी फाइल को अगर आपको उसको सेंड करना है किसी भी टाइप की, चाहे वो फाइल हो, तो एज अटैचमेंट के थ्रू, जैसे हम लोग व्हाट्सएप में कोई भी फाइल को अगर सेंड करना है तो हम लोग वहाँ पर अटैचमेंट के थ्रू उसको सेंड कर देते हो, तो सेम थिंग फॉर द ईमेल. ईमेल भी आपको वही चीज़ करनी है कि उसको वहाँ पर जाकर उसको अटैचमेंट के थ्रू उसको लिंक कर देना है और वो मेल आपको जिसको भी भेजना है वहाँ पर आप लोग उसको भेज सकते हो. क्लियर एवरीवन? सो दीस आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. World Wide Web over the internet has shrunken the world into a laptop and smartphone. यानी कि World Wide Web यानी कि इंटरनेट जो है यानी कि वो छोटे से छोटा हो गया. क्यों? ताकि आप लोग उसको लैपटॉप में या फिर स्मार्टफोन में उसको ईजिली यूज़ करते हो. इंस्टेंट
Fast and affordable access to all kind of information has enabled people to get in touch online easily. यानी कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इंस्टेंटली आप लोग उसको यूज़ करके उसको ले सकते हो. इजीली फास्टेबल है यानी कि फास्ट है. आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तुरंत आप लोगों ने ऑनलाइन वेब ब्राउज़र ओपन किया और तुरंत आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, तो आपको किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या उसकी ज़रूरत रहती नहीं है. सिर्फ हमारे पास वेब ब्राउज़र होता है तो हम लोग उसी के थ्रू पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. देन अ पर्सन कैन यूज़ www टू रीच मिलियंस ऑफ पीपल ऑनलाइन. यानी कि कोई भी एक पर्सन है, अगर किसी सभी पर्सन के साथ अगर पहुंचना है उसको, तो वह इजीली सभी पर्सन के साथ पहुंच भी सकता है. यानी कि मिलियंस ऑफ पीपल के थ्रू ऑनलाइन होके वो सभी पर्सन के थ्रू वहां पर पहुंच पाएगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ ग्रेटली ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी इंटरेक्ट विद द पीपल एंड सोशलाइज विद दोज हुम वी हार्डली और प्रोबेबली नेवर मीट. यानी कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है, यानी कि सभी पर्सन को वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप घर पे बैठे बैठे या फिर इंटरनेट का यूज़ करके आप लोग सभी पीपल के साथ, सभी पर्सन के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, सोशलाइज हो सकते हो. जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग कहीं पर भी जा नहीं सकते, लेकिन अपने जो भी फैमिली रिलेटिव्स है या फिर फ्रेंड्स है उसको ऑनलाइन होके आप लोग उसको जो आप लोगों को नहीं मिलते प्रोबेबली, तो उसको आप लोग वहीं पर मीटिंग करके या फिर उसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप लोग वहाँ पर उसके साथ बातचीत कर सकते हो. एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट एनेबल्स पीपल टू नेटवर्क विथ अदर्स ओवर इंटरनेट. यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसीलिए आपके लिए दिया हुआ है ताकि आप सभी पर्सन के साथ ओवर द इंटरनेट, यानी कि जो भी बातचीत करनी है आप लोग वहीं पर बातचीत कर सकते हो. इंटरेक्ट विद देम बाई मीन्स ऑफ वेरियस कम्युनिकेशन मोड्स एंड डेवलप सोशल रिलेशन फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस लाइक एंटरटेनमेंट, बिजनेस, फ्रेंडशिप एंड फॉर एनी सोशल कोज इज कॉल्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. यानी कि कम्युनिकेशन के कई सारे तरीके हैं, कई सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने कई सारी ऐसी चीज़ डेवलप की गई होती है. जैसे आप लोग उसके साथ कहो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, फ्रेंडशिप के लिए हो या फिर कोई भी सोशल कोज के लिए, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. उस पर जो फर्स्ट वन है वो है ब्लॉग. ब्लॉग अर्लियर नोन एज वेब ब्लॉग, ब्लॉग पहले क्या कहा जाता था, वेब ब्लॉग, इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच अलाउज अ पर्सन टू पोस्ट हीज हर व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और इश्यू इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन आर्टिकल फॉर अदर पीपल टू विजिट एंड गो थ्रू. यस, कि ब्लॉग क्या है, वेब ब्लॉग, उसका दूसरा नाम क्या है, वेब ब्लॉग. एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह जहाँ पर पर्सन अपने व्यूज़, चाहे वो पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक के बारे में हो, कोई भी इश्यू के बारे में हो या फिर कोई भी ऐसे आर्टिकल जिसमें आप लोग अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हो, आप लोग अपनी कमेंट्स पास कर सकते हो, उसके बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा है तो इन्फॉर्मेशन को भी आप लोग वहाँ पर शेयर कर सकते हो. लेकिन आपको वहाँ पर कोई भी आर्टिकल की पर्टिकुलर विजिट करके वहाँ पर आप लोग उसको देख सकते हो. रीडर्स कैन पोस्ट देयर कमेंट्स ऑन द आर्टिकल एंड दिस वे थ्रेड्स ऑफ इंटरेक्शन एंड डायलॉग्स बिगिन. यानी कि रीडर क्या करेंगे, उसके पास जो भी कमेंट होंगी, उसको बुरा लगा, अच्छा लगा, उसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेगी आर्टिकल के रिलेटेड, तो वो आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे या फिर आप लोगों से जो भी कम्युनिकेशन टाइप है वो वहाँ से बिगिन हो जाएगा. ब्लॉग इज़ एन एक्सेलेंट वे टू शोकेस योर राइटिंग एंड रिपोर्टिंग टैलेंट्स और जस्ट टू शेयर योर थॉट्स एंड व्यूज़ इन ए स्ट्रक्चर्ड वे. ब्लॉग क्या है, एक एक्सेलेंट वे है, एक ऐसा शोकेस है जहाँ पर अपने आप लोग अपने राइटिंग है या फिर रिपोर्टिंग टैलेंट्स है, ऐसी कोई बात आप लोग को उन शेयर करने चाहते हो, आप लोग अपने थॉट्स के बारे में बताना चाहते हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड वे है जिसमें आप लोग अपने व्यूज़ को जैसे दिखाना है वैसे, एज ए इमेज के थ्रू, एज अ कोई भी राइटिंग पोर्शन आर्टिकल के थ्रू वहाँ आप लोग उसको बता सकते हो. अ पर्सन हु राइट्स एंड मेंटेन्स अ ब्लॉग इज कॉल्ड अ ब्लॉगर. यानी कि जो भी पर्सन ब्लॉग लिखता है या फिर उसको मेंटेन करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्लॉगर. ब्लॉग्स आर इन द फॉर्म ऑफ सिंपल वेबसाइट फॉर विच ब्लॉगर डज नॉट नीड टू नो एनी मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी कि ब्लॉग ऐसी लैंग्वेज है, ऐसे फॉर्म में दी गई ऐसी सिंपल वेबसाइट है जहाँ पर ब्लॉगर को कोई भी पर्टिकुलर मार्कअप यानी कि कोई भी ऐसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर वो नहीं जानता है, उसके बारे में नहीं पता है, तो भी वो इजीली उसको यूज़ कर सकता है. इट इज़ वेरी इजी टू ऑपरेट एंड एनी पर्सन हु हैज़ द बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड हैज़ ड्राफ्टिंग स्किल कैन क्रिएट अ ब्लॉग. यानी कि कोई भी पर्सन उसको इजीली ऑपरेट कर सकता है, चाहे वो सिर्फ
उस पर्सन को क्या आना चाहिए जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, या फिर ड्राफ्टिंग कैसे करना है, उसको कैसे लिखना है, तो उसी के थ्रू वो ब्लॉग को क्रिएट कर सकता है। सम पॉपुलर ब्लॉग सर्विसेज आर वर्डप्रेस, ब्लॉग अड्डा, ब्लॉगर, टम्बलर एक्सेट्रा। यानी कि ये सब क्या है, ब्लॉग सर्विसेज, यानी कि ये सभी कंपनी हमें ब्लॉग सर्विस की सिस्टम, यानी कि उसकी जो सर्विस है वो हमें प्रोवाइड करती है। दे ऑल प्रोवाइड फ्री एज वेल एज प्रीमियम ब्लॉगिंग सर्विस। यानी कि ये सब फ्री भी है और प्रीमियम, यानी कि उसको परचेज, यानी कि पेमेंट के थ्रू आप लोगों को उसकी बेटर जो फीचर्स है वो भी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो एज अ पेमेंट पे करने के बाद। पीपल कैन यूज़ देम टू क्रिएट पर्सनल और बिजनेस ब्लॉग्स। यानी कि सब लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसके लिए यूज़ करते हैं, पर्सनल के लिए, या फिर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी, या फिर ऐसी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन सभी के साथ शेयर करनी है, या फिर बिजनेस रिलेटेड आप लोग ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। टुडे ब्लॉग अ न्यू लुक कॉल्ड वीडियो ब्लॉग और वी ब्लॉग। आई कैन बी मेंटेन बाई सम वन हु हैज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ प्रिपेयरिंग वीडियोज एंड अपलोडिंग देम टू द ब्लॉग। अभी लोग क्या करते हैं कि ब्लॉग को कैसे नए लुक में उसको यूज़ करते हैं, जैसे वीडियो ब्लॉग, यानी कि वीडियो बना के उसको ब्लॉग कर दिया, यानी कि उसको शेयर कर दिया, या फिर वी ब्लॉग के थ्रू उसको मेंटेन करके कि समवन कोई भी उसको देखे, या फिर बेसिक नॉलेज उसके बारे में हो तो वो वीडियो बनाएगा और उसको अपलोड भी करवा देगा साथ में। टुडे ब्लॉग्स आर मीन्स टू पब्लिश पर्सनल व्यूज़, प्रमोट प्रोडक्ट्स, कंपनीज, कॉरपोरेट ब्लॉग्स, हॉबी और होम बिजनेस, सोशल साइकोपॉलिटिकल इश्यूज, एजुकेशनल सॉरी सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, एजुकेशनल ब्लॉग्स, एंटरटेनमेंट रिव्यू एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन ब्लॉग। आजकल ब्लॉग किसके लिए यूज़ होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करने के लिए पर्सनल व्यूज़। आप लोग अपने व्यूज़ दे सकते हो, जैसे अभी COVID-19 चल रहा है, जो अपनी कोरोना की जो बीमारी है उसके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग व्यूज़ भी देखते हैं पर्सनल, किसी का जो जो भी पर्सनल व्यू है, कोई भी नेगेटिव में दे रहा है, कोई पॉजिटिव में दे रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है उसके बारे में, कंपनी क्या करेगी, उसकी जो भी प्रोडक्ट होगी, कॉरपोरेट ऑफिस होगी, उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी। आप लोग अपनी हॉबी है, किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है तो उसके वीडियो वहाँ पर रख के उसको शेयर भी कर सकता है। कोई भी पर्सन अपने होम बिजनेस के थ्रू वहाँ पर, कोई पर्सन अपने सोशल पॉलिटिकल इश्यू भी वहाँ पर शेयर कर, भी मोरबी में अभी चल रहा था कि मोरबी में खड्डा या खड्डे में मोरबी, तो उसके डिफरेंट पर्सनल इश्यू भी वहाँ पर क्रिएट करके वो इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को प्रोवाइड कर पाएगा। एजुकेशनल ब्लॉग भी दे सकते हो, इंटरनेट में भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो, कोई भी कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन दे के भी ब्लॉग क्रिएट कर सकता है। क्लियर? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लॉग। नेक्स्ट वन इज़ फेसबुक। दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि फेसबुक हम लोग किसके लिए यूज़ करते हो, कहाँ पर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ये एक ऐसी सोशल वेबसाइट है या फिर सोशल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप कोई भी पर्सन को कोई इज़ अ फ्री ऑफ रजिस्टर, यानी कि उसके लिए कोई भी आपको अगर रजिस्टर करना है तो उसके लिए कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं, ना ही उसके लिए कोई भी चीज़, यानी कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी ज़रूरी है। यानी कि ये सभी पीपल को अलाउ करेगा, उसको फ्री रजिस्टर करवाएगा एंड ऑल्सो इंटरेक्ट विथ ईच अदर, यानी कि दूसरे पर्सन के तो वो मिलाएगा कि आपके जो पुराने फ्रेंड्स है वो आप लोग फेसबुक पे उसको ढूंढ के भी उसके साथ बातचीत कर सकते हो। टू मीट विथ पीपल ओवर फेसबुक वन शुड फर्स्ट क्रिएट एन अकाउंट ऑन इट एंड देन सर्च फॉर फ्रेंड्स। यानी कि पहले आपको उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से सभी के अकाउंट होते ही है, लेकिन फिर भी, और उसके बाद आप लोग सभी अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव पर्सन को या फिर अपने ब्रदर सिस्टर को वहीं पर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। One can send the friend request to other people and once the request is accepted, they can become online friends. यानी कि एक बार आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को उसमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, अगर वो पर्सन या फिर जो भी पर्सन है या फिर जो भी अपने फ्रेंड्स है तो वो अगर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपके क्या बन जाएंगे, ऑनलाइन फ्रेंड्स। फेसबुक हैज़ फॉलोइंग सब साइलेंट फीचर्स। दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ फ्री। दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि फेसबुक कोई पर्टिकुलर आपके पास से चार्जेस पेमेंट नहीं ले रहा है, सो दैट्स वाई दे विल बी फ्री। वॉल, वॉल यानी कि क्या है, ना ही दीवार है, यस दीवार जैसा ही है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग अपने ऑन प्रोफाइल पेज के पे थ्रू आप लोग कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन बता सकते हो कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये यहाँ पे जाने घूमने का मीन्स के वहाँ पर जाने घूमने के लिए कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, तो ऐसे कई सारे पोस्ट कि आप लोग वॉट एवर यू पोस्ट गोज टू योर वॉल, कि जो भी आपको पोस्ट करना है आप लोग अपने चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो या फिर कोई इमेज हो या फिर कोई भी वीडियो हो वो भी आप लोग अपनी वॉल पे शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ पेजेस।
One can create pages on a specific issue or topics and maintain information related to that topic on that page. यानी कि अगर आप लोग पेज बनाना चाहते हो तो उसमें भी आप लोग पेज बना सकते हो, लेकिन जो भी पेज आप लोग बनाओ उसके लिए पर्टिकुलर जो भी इश्यू है, कोई भी इश्यू पर्टिकुलर होना चाहिए या फिर कोई भी टॉपिक आप लोगों ने ऐसा लिया है तो उसको मेंटेन भी करना ज़रूरी है, ताकि उसके रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो आप लोग उसके थ्रू शेयर कर सको दूसरे पर्सन के साथ, या फिर कोई भी दूसरा पर्सन अगर उसके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी आपके टॉपिक के बारे में तो वो भी वहाँ पर शेयर कर सके. पेजेस कैन बी शेयर्ड विथ अदर थ्रू एन इन्वाइट एंड पीपल आर गिवन ऑप्शन टू विजिट एंड लाइक देम. यानी कि पेजेस अगर शेयर करोगे तो उसके थ्रू आप लोग दूसरे पर्सन को इनवाइट भी कर सकते हो, या फिर आप लोग अपनी ऑप्शन के थ्रू वहाँ पर विजिट करके कोई भी दूसरा पर्सन उसको विजिट करके उसको लाइक भी कर सकता है, उसको शेयर भी करवा सकता है. इवेंट्स, नेक्स्ट वन इज इवेंट्स. इवेंट्स में क्या रहेगा, किसी भी जगह पे आपको जाना है तो टाइम टू टाइम आपको रिमाइंडर दिया जाएगा कहीं सर. जैसे अभी हमारे वहाँ पर मैंने इंटरनेशनल स्कूल में क्या था कि जो हमारे विनय इंटरनेशनल में उल्लास का एक फंक्शन था तो आपको रेगुलरली रिमाइंड दे रहा था कि वहाँ पर हम लोगों ने इवेंट को ऐसे सेट कर दिया है, यहाँ पर जाना है, तो आप लोग अपने फीचर्स के थ्रू वहाँ पर देख के बता सकते हो. इज़ अ वन टाइप ऑफ रिमाइंडर थिंग. जैसे हम लोग अपने मोबाइल में क्लॉक मीन्स का अलार्म रखते तो आपको रिमाइंडर देता है, या फिर इंस्टॉलमेंट का कोई भी मंथली आपके इंस्टॉलमेंट होते वो भी आपको रिमाइंडर होते, तो वैसे इवेंट के थ्रू आप लोग कोई भी पीपल के थ्रू रिमाइंड करवा सकते हो. यहाँ पर उल्लास है तो आप लोग इतने बजे इतनी जगह पर इतनी ये प्लेस पे इतने बजे तक वो चलेगा, ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे सकते हो. इवेंट्स के थ्रू आप लोग अपने इवेंट के बारे में भी बता सकते हो ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले क्या है और क्या नहीं है. फोटो एल्बम, दैट्स यू नो वेरी वेल, यू कैन अपलोड एंड ऑर्गेनाइज द पिक्चर एंड वीडियोज टू इन सेपरेट एल्बम्स. जैसे हम लोग फोटो एल्बम बनाते हैं वैसे आप लोग यहाँ पर अपने एल्बम भी क्रिएट कर सकते हो. न्यूज़ फीड, इन द मिडल ऑफ योर पेज स्टेटस अपडेट्स, न्यूज स्टोरीज, इवेंट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ अदर पीपल आर अपडेटेड थ्रू दिस फीचर. न्यूज़ फीड में क्या रहेगा, मिडल ऑफ द पेज, ताकि पूरे दिन में जो भी नए नए लोग क्या क्या अपडेट अपलोड कर रहे, कोई पिक्चर अपलोड कर रहा है, कोई अपनी स्टोरी बता रहा है, कोई अपने अच्छे से जोक्स वहाँ पर डाल रहा है, कोई अच्छी सी शायरी वहाँ पर पोस्ट कर रहा है, ऐसे कई सारी चीज़ आप लोग वहाँ पर न्यूज़ फीड में बता सकते हो. नेक्स्ट वन इज प्राइवेसी सेटिंग. फेसबुक हैज़ एक्सेलेंट सिक्योरिटी ऑप्शन विच अलाउ यू टू सेटअप द एक्सेस टू योर वॉल एंड अदर अपडेट्स. यानी कि प्राइवेसी भी चाहिए हम लोगों को, अपना कोई भी इन्फॉर्मेशन है कोई भी पर्सन चुरा ना सके, ऐसी कई सारी ऐसी चीज़ होती है जो हम लोगों ने वहाँ पर रखी है, दूसरे लोगों को बतानी है नहीं बतानी, अपनी डेट ऑफ बर्थ है, अपने मोबाइल नंबर है, ऐसे कहीं ईमेल आईडी है, तो वो ऐसा सेटअप उन लोगों ने क्रिएट किया है ताकि कोई भी पर्सन, अभी तो फेसबुक के थ्रू आप लोग अपनी जो भी प्रोफाइल पिक्चर है वो भी कोई भी पर्सन उसको कॉपी करके नहीं रख पाएगा, बिकॉज वहाँ पर भी सिक्योरिटी दे दी उन लोगों ने, ताकि वो वॉल इज़ अ सिक्योर थिंग, ताकि उसको कोई कॉपी भी ना कर सके, ऐसी सिस्टम उन लोगों ने क्रिएट कर दी है. यू कैन ऑल्सो डिसाइड हु शुड बी एबल टू राइट ऑन योर वॉल, एक्सेस योर अपडेट्स, पिक्चर्स एंड पेजेस. यानी कि आप ही लोग उसको डिसाइड करोगे कौन मेरी वॉल में लिखेगा, कौन मेरी वॉल को पढ़ पाएगा, कौन मेरी वॉल को देखेगा, कौन अपडेट कर पाएगा, कौन मेरे पिक्चर्स को लाइकिंग कर पाएगा, ऐसे कई सारी चीज़ आप लोग डिसाइड अपने हिसाब से कर सकते हो. हु कैन सी एंड कमेंट योर पोस्ट एक्सेट्रा. कौन अपनी कमेंट जो भी अपने लोगों ने दिया है, यानी कि कोई भी इमेज आप लोगों ने अपलोड करवाई, कोई भी वीडियो अपलोड करवाया, या फिर कोई भी आप लोगों ने टेक्सुअल आर्टिकल आप लोगों ने अपलोड करवाया, तो कौन उसको देख सकता है या फिर उसमें कमेंट कर पाएगा, ऐसी कई सारी चीज़ प्राइवेसी सेटिंग के थ्रू आप लोग वहाँ पर रख सकते हो. प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर पिक्चर, दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि प्रोफाइल पिक्चर क्या होता है और कवर पिक्चर भी क्या होता है. नेक्स्ट वन इज YouTube. YouTube is a great offering from Google. It is an online platform dedicated to video sharing. Yes, YouTube क्या है, वो एक ऑफर दे रहा है किसके थ्रू, Google के थ्रू. यानी कि आप लोगों का कोई भी ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म ऐसा दे रहा है जिसके थ्रू आप लोग अपने वीडियो को शेयर करते हो. जैसे अभी हम लोग वीडियो अपने शेयर करते हैं, जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो नाउ डेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा है. सो पीपल कैन शूट वीडियोज़ एंड अपलोड देम ऑन YouTube. यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो वीडियो क्रिएट करते हैं बनाते हैं उसको हम लोग कहाँ पर अपलोड करेंगे, यूट्यूब के थ्रू आपके ज़रिए पहुँचा देंगे. वंस नीड्स टू हैव अ गूगल अकाउंट टू डू सो. यस, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आपको गूगल अकाउंट होना ज़रूरी है. मिलियंस ऑफ वीडियोज़ आर अपलोडेड डेली. वीडियोज़ इंक्लूड पर्सनल हॉबी वीडियोज़, फनी वीडियोज़, एजुकेशन वीडियोज़, रेसिपीज़, हाउ टू डू इट टाइप वीडियोज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, शॉर्ट मूवीज़ एक्सेट्रा. यस, कि दिन डेली के हर कितने सारे वीडियोज़ आप लोग यहाँ पर अपलोड होते देखते हो.
वीडियोस में क्या क्या होता है, अपने पर्सनल हॉबी के बारे में वीडियो होते हैं, किसी को खाना अच्छा बनाना आता है तो वो उसके रिलेटेड इन्फॉर्म यानी कि वीडियो अपलोड करेगा, कोई फ़नी वीडियो अपलोड करेगा, कोई सॉन्ग के वीडियो अपलोड करेगा, कोई एजुकेशन के वीडियो अपलोड करेगा, कोई रेसिपी अपनी अपलोड करेगा, कैसे किसको बनाया गया होता है वैसी वो चीज़ बनाएगा, या फिर कोई भी शॉर्ट मूवीज़ है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है, या फिर ऐसी कोई ट्रिक्स है जिसके थ्रू हम लोग वीडियो बना के आप लोगों को शेयर इसमें अपलोड करवा के उसको सेंड कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग योर अकाउंट व्हेन यू एक्सेस यूट्यूब इट लिस्ट द मोस्ट ट्रेंडिंग और पॉपुलर वीडियोज़, यानी कि अकाउंट क्रिएट हो गया आप लोगों का तो फिर आप लोगों ने यूट्यूब भी बनाना यानी कि उसको यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया होगा, जहाँ पर आपको क्या दिया गया लिस्ट द मोस्ट ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग मीन्स ऐसे कई सारे पॉपुलर वीडियोज़ आप लोगों को वहाँ पर दिखाई देंगे जो रेगुलरली सभी लोग उसको देखते भी है, उसको व्यूज़ भी देखते होंगे। सो यू कैन सर्च वीडियोज़ और क्लिक ऑन द वीडियो थंबनेल्स टू विच वॉच दैम, यानी कि आप लोग अपने हिसाब से वीडियोज़ को सर्च भी कर सकते हो या फिर थंबनेल्स के थ्रू उसको देख भी सकते हो। व्यूअर्स कैन कमेंट लाइक एंड शेयर द वीडियोज़, व्यूअर्स क्या करेंगे, किसी को वीडियो अच्छा लगा तो उसको कमेंट करेंगे या फिर उसको कोई लाइक करेगा या फिर उसको शेयर करवाएगा, वो अपने डिपेंड करता है कि वीडियो कैसा लगा और कितने लगे कितना अच्छा लगा। डिपेंडिंग ऑन द वीडियो यू विजिट ऑन द नेक्स्ट लॉगिन यूट्यूब विल लिस्ट द वीडियोज विच यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, यस एक बार अगर किसी वीडियो में आप लोगों ने लॉगिन कर दिया था जैसे आप लोगों ने देखा तो YouTube को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपको वीडियो कैसे अच्छे लगते हैं, किस टाइप के अच्छे लगते हैं, किसी को गाना अच्छा लगता है तो वह उसी के हिसाब से आप लोगों को यानी कि लिस्ट आपके सामने भेजेगा ताकि जो भी आपको इंटरेस्ट है उसी के थ्रू आप लोग वहाँ पर उसको देख सको, उस टाइप की वीडियो वहाँ पर आप लोग उसको देख भी सको। YouTube चैनल पीपल हु आर रेगुलरली यूजर्स ऑफ यूट्यूब एंड अपलोड वीडियोज ऑन इट आर रिकमेंडेड टू क्रिएट अ चैनल, यानी कि जो भी पीपल रेगुलरली यूज़ करते हैं यूट्यूब चैनल यानी कि यूट्यूब को अपलोड करते हैं अपने वीडियोज़ तो वो क्या करेंगे अपनी खुद की चैनल क्रिएट करेंगे। चैनल इज़ अ सिंपल अ सीरीज़ और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वीडियोज़, चैनल क्या है ऐसी कैसी सिंपल सीरीज़ है या फिर कलेक्शन है अपने रिलेटेड वीडियोज़, जो भी हम लोग विनी इंटरनेशनल स्कूल में जो भी अपने वीडियोज़ होते हैं वो हम लोग क्रिएट करेंगे उसको अपलोड करवाएंगे, लेकिन कौन सी चैनल में, विनी इंटरनेशनल स्कूल की चैनल में, ताकि आप लोग उसी के हिसाब से उसी के रिलेटेड यानी कि जो भी हमारे एजुकेशनल वीडियोज़ है उसी पर आप लोग वहाँ पर देख सको। The advantage of having a channel for creator is that popularity of multiple videos can analyzed as one channel. यानी कि ये advantage क्या हुआ कि आप लोग एक ही वीडियो को बनाते हुए कई सारे ऐसे popularity बन जाओगे ताकि आप लोग वीडियो के थ्रू आप लोग इनकम भी क्रिएट कर सको। It is easier to manage a channel as compared to video individual videos for users. Yes, it is easier to subscribe the channel so that they get reminded about any new video updated by the channel owner. यानी कि अगर कोई भी पर्सन अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो ऑटोमेटिक जब भी कोई भी चैनल पर्सन यानी कि जो भी हम लोगों ने वीडियो अपलोड करवाते हैं नए नए वीडियो तुरंत ही आपको उसकी रिमाइंडर मिल जाएगी और ऑटोमेटिक जो चैनल ओनर होगा उसको भी अपडेट मिलेगा कि ये वीडियो कितने लोगों ने देखा कब देखा वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उन लोगों को मिलेगी। YouTube provides various security setting to prevent your videos being downloaded by unauthorized users, viewers. Yes? कि वीडियो का यूट्यूब के पास भी ऐसी ऑथराइज्ड थिंग है जहाँ पर आप लोग अपनी सिक्योरिटी भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि डाउनलोड करना है किसी पर्सन को, पहले तो यूट्यूब में वीडियोस डाउनलोड होते थे बट नाउडेज वीडियोस भी डाउनलोड नहीं होते, उसके इंटरनल स्टोरेज मेमोरी में वही चीज़ डाउनलोड होती है। सो डाउनलोडेड बाई अनऑथराइज व्यूअर्स ओनर ऑफ द वीडियो कैन सेट द वीडियो एज अनलिस्टेड विच मीन्स द पीपल हैविंग द लिंक टू द वीडियो कैन ओनली वॉच इट, यानी कि आप लोग अपने हिसाब से किसी को डाउनलोड करने नहीं देना है, सिर्फ व्यूअर्स को सिर्फ व्यू करने यानी कि उसको देखने के लिए देना है तो ओनर वो उसके थ्रू वहाँ पर वो भी सेटिंग कर पाएगा कि कोई भी पर्सन यानी कि व्यूअर जो दूसरे पर्सन है उसको सिर्फ देख उसको डाउनलोड भी ना कर सके। सो ऐसी कई सारी चीज़ यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज़ ट्विटर, ट्विटर इज़ अनदर सोशल मीडिया वेबसाइट बट इट इज़ डिस्टिंक्ट इन द फॉलोइंग, यूजर कैन पोस्ट शॉर्ट मैसेजेस इंक्लूडिंग वीडियोज लिंक्स एंड टेक्स कॉल्ड ट्वीट्स, यानी कि यूज़र क्या करेगा अपने शॉर्ट मैसेजेस को या फिर वीडियोज को लिंक को या फिर टेक्स उसको वो वहाँ पर लिखेगा उसको वहाँ पर भेजेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे ट्वीट्स। दे हैव अ लिमिटेशन ऑफ 280 कैरेक्टर्स, वहाँ पर लिमिटेशन आ जाए कि वहाँ पर वो कितने कैरेक्टर लिख सकता है 280। शेयरिंग somebody's ट्वीट इज कॉल्ड retweeting, अगर कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन की अगर ट्वीट को वहाँ पर शेयर करता है किसी और पर्सन के साथ तो उसे हम लोग क्या कहेंगे retweeting। द यूजर्स अकाउंट नेम इज कॉल्ड ट्विटर हैंडल, यानी कि यूज़र अकाउंट का जो नेम रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे
ट्विटर हैंडल। यूज़र नेम इज़ प्रिसीडेड बाई द एट द रेट साइन, यानी कि यूज़र नेम कहाँ से पता चलेगा कि ये यूज़र नेम है, तो एट द रेट साइन के थ्रू वहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये यूज़र नेम है। इन द ट्वीट्स कीवर्ड्स कैन बी मार्क्ड बाई प्रिसीडिंग देम विद द हैश साइन, यानी कि अगर कोई भी ट्वीट में आप लोगों ने कीवर्ड्स कोई भी मार्किंग हुआ है, जैसे हम लोग यहाँ पर बोल्ड के थ्रू या फिर कोई भी ऐसे पर्टिकुलर हैश साइन के थ्रू वहाँ पर करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इज़ अ मार्किंग द प्रिसीडिंग वर्ड्स, दे आर कॉल्ड हैश टैग्स, उसे क्या कहेंगे, हैश टैग्स, ताकि हम लोगों उसको पर्टिकुलर को मार्क किया है। दे आर यूजफुल इन मेकिंग द ट्वीट इजिली सर्चेबल बाई अदर्स, उसे क्यों यूजफुल, यानी कि ये क्यों यूजफुल है, ताकि कोई भी पर्सन को उसी वर्ड्स के थ्रू अगर उसको सर्च करना है तो वो इजिली उसको सर्च करवा सकता है। अ पॉपुलर ट्वीट इज आइडेंटिफाइड बाई इट्स हैशटैग्स, अगर कोई भी पॉपुलर ऐसी ट्वीट है, कोई भी ऐसे मैसेजेस है, तो वो हैशटैग के थ्रू वहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा। After creating account on Twitter, one can access others tweets and follow them by clicking follow link. एक बार अगर आप लोगों ने ट्विटर में अकाउंट बना लिया तो ऑटोमेटिक उसको ट्वीट भी करेगा या फिर दूसरे पर्सन को उसको फॉलो भी करेगा बाय द फॉलोइंग क्लिक के, यानी कि लिंक के थ्रू। हर एक चीज़ को जैसे हम लोग फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस अकाउंट को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए फॉलो लिंक के ऑप्शन के थ्रू वहाँ पर आपको क्लिक करना ज़रूरी है। पीपल कैन ऑल्सो अनफॉलो द ट्वीट्स, ट्विटर टाइमलाइन डिस्प्ले ऑल द ट्वीट्स विच आर अपडेटिंग अमंगेस्ट योर कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड ट्विटर फीड, यानी कि जब भी आप लोग ऑनलाइन होंगे तब ऑटोमेटिक आपके टाइमलाइन में जितने भी ट्वीट अपलोड, यानी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जो भी मैसेजेस अपडेट होंगे, वो ऑटोमेटिक आपको कनेक्शन आते ही तुरंत वो अपडेट करवा देगा, उससे क्या कहेंगे, ट्विटर फीड, यानी कि फीड न्यूज़ इज वन टाइप ऑफ न्यूज़ थिंग्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट्सअप, व्हाट्सअप दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, सो आई कांट एक्सप्लेन दिस थिंग, सो व्हाट्सअप इज़ अ वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन थ्रू द पीपल। व्हाट्सअप दैट्स ऑल ऑफ यू नो इज़ अ वन टाइप ऑफ मैसेजिंग एप्लीकेशन, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड या फिर अपलोड जो भी आपको करना है, जो भी PDF भेजनी है, जो भी आपको अपने इमेजेस सेंड करनी है, आप लोग किसी को भी अगर इनविटेशन भी देना है तो आप लोग ऑटोमेटिकली उसके थ्रू इनविटेशन भी भेज सकते हो, या फिर आपको अगर ग्रुप बना के अगर चैट भी करना है तो दूसरे पर्सन के थ्रू वहाँ पर चैट भी कर सकते हो। सो दिस आर ऑल थिंग्स विल बी ऑन द व्हाट्सअप, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप सभी लोग उसको यूज़ करते ही हो। नेक्स्ट वन इज डिजिटल इंडिया, टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट सर्विसेज एंड गवर्नमेंट स्कीम्स इन्फॉर्मेशन रिच इज टू मासेज ऑनलाइन इजिली, यानी कि सभी गवर्नमेंट जितनी भी सर्विसेज दे रहा है, गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स दे रहे हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है, ऑनलाइन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI लॉन्च डिजिटल इंडिया कैंपेन इन July 2015, यानी कि जो भी अपनी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उन लोगों ने एक डिजिटल इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया था, कहाँ से, July 2015 से। कनेक्टिंग रूरल एरियाज ओवर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन टू ब्रिंग द रिमोट एरियाज ऑफ द, यानी कि उन लोगों ने किया, जो भी रूरल एरियाज है वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट वहाँ पर कनेक्शन प्रोवाइड किया, ताकि वो रिमोटली एक्सेस करके उसको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड हो सके, या फिर उसके रिलेटेड जो भी ऐसे एरियाज है वहाँ से वो लोग क्या करेंगे, रूरल एरियाज के बारे में इन्फॉर्मेशन वो फाइंड आउट करेंगे। कंट्री टू इन टू मेन स्ट्रीम एंड इम्प्रूव द डिजिटल लिटरेसी इज़ द एम्बिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन, यानी कि कंट्री में जितने भी जो लोग पढ़ नहीं रहे उसको वहाँ पर पढ़ाई के थ्रू, वहाँ पर कैंपेन के थ्रू लोग दूसरे पर्सन को पढ़ा सके। इतने एरिया कहाँ इंडिया में, इतने कहीं सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर अभी तक लिटरेसी ज़्यादा कम से कम है, वहाँ पर वो डिजिटल इंडिया के थ्रू, डिजिटल लिटरेसी के थ्रू वहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी सके। अंडर दिस कैंपेन द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इज एम्ड एट ब्रिंगिंग वेरियस डिजिटाइज्ड सर्विस टू द मासेज, सम ऑफ द कॉमन सर्विसेज आर डिजी लॉकर, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई साइन एंड ई शॉपिंग, यानी कि डिजिटल इंडिया के थ्रू कई सारी ऐसी कॉमन सर्विसेज आप लोग को वहाँ पर, डिजी लॉकर इज़ अ वन टाइप ऑफ आप लोगों का लॉकर, कि जहाँ पर आप लोग अपने फाइल्स, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोग वहाँ पर उसको स्टोर करके रख सको। ई एजुकेशन यानी कि एजुकेशनल ऑनलाइन,
जो भी हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ई हेल्थ यानी कि ऑनलाइन हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ मिले। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ मीन्स कई सारी ऐसी प्लेसेज है जहाँ पर अभी डॉक्टरी जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस नहीं दे पा रहे, तो वहाँ पर हेल्थ के रिलेटेड वहाँ पर आप लोगों को कोई भी थिंग्स वहाँ पर प्रोवाइड हो सके। कोई भी ट्रीटमेंट अगर देनी है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली आप लोगों को वहाँ पर ट्रीटमेंट, कोई भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर वहाँ पर प्रोवाइड ऑनलाइन होकर आपको वो चीज़ भी प्रोवाइड की जाए। ऑनलाइन शॉपिंग भी आप लोग करती हो तो ई शॉपिंग के थ्रू वहाँ पर दूसरे थिंग्स भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाए। अदर प्लेटफॉर्म विच आर द पार्ट ऑफ दिस कैंपेन आर एज फॉलोज। एक्सेस टू my.gov.in पोर्टल दैट लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड स्कीम्स। यानी कि एक्सेस उसको यूज़ करते my.gov.in वेबसाइट को यूज़ करते हुए, कैसा वेबसाइट जिसके थ्रू गवर्नमेंट की जितने भी सर्विसेज है, जितनी भी स्कीम्स है, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगी कि ये अभी सर्विसेज चल रही है, इसमें ये स्कीम आ रही है, ये सब कुछ आप लोगों को गवर्नमेंट ही जो भी प्रोवाइड करेगा वो सारी की सारी स्कीम या फिर सर्विस वहीं से आप लोगों को मिल जाएगी। मल्टी चैनल मल्टी लिंगुअल मल्टी सर्विसेज मोबाइल ऐप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस यानी कि उमंग टू एक्सेस ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज ओवर हैंड हेल्ड डिवाइसेज। यानी कि मल्टी चैनल उमंग एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप लोग गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस को अपने मोबाइल डिवाइस के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हो। आधार नंबर हैज़ एनेबल टू एक्सेस डिजिटल सिग्नेचर सर्विसेज ई साइन। यानी कि हम लोग कई बार हम लोग डॉक्यूमेंट में देखते हैं कि इज़ वेरीफाइड बाई, यस वहाँ पर राइट करके साइन आ गई होती है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, वैसी साइन आप लोगों को ई वेरीफाई यानी ई सिग्नेचर से बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिसके थ्रू आप लोग का आधार कार्ड जो भी आप लोगों ने डाउनलोड की है वो वेरीफाइड है या नहीं है, उसी के थ्रू वहाँ पर ऑटोमेटिक वो पता चल जाएगा। तो पर्टिकुलर कोई भी गवर्नमेंट पर्सन की वहाँ पर साइन लेने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। एक्सेस टू my.gov.in पोर्टल दैट लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड स्कीम्स। यानी कि उसको एक्सेस करते हुए आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप लोग उसको ला सकते हो। पीपल कैन कीप डिजिटल कॉपीज ऑफ देयर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ओवर डिजी लॉकर। आप लोग अपने जो भी इंपॉर्टेंट कॉपीज़ है, डिजिटल कॉपी यानी कि अपने आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, अपने रिजल्ट है या फिर कोई भी ऐसी RC बुक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स की कॉपी जो होती है, वो आप लोग डिजी लॉकर के थ्रू वहाँ पर उसको कॉपी करके बना सके, उसको रख सकते हो, ताकि वो अगर डॉक्यूमेंट अगर आपको कहीं पर भी ज़रूरत हो वहाँ से उसको एक्सेस करके आप लोग उसको सामने वाले पर्सन को जो भी पर्सन है उसको आप लोग दे भी सकते हो या फिर उसको प्रोवाइड भी कर सकते हो। ई हॉस्पिटल एप्लीकेशन फॉर इंक्वायरिंग अबाउट ब्लड डोनेशन सर्विसेज अपॉइंटमेंट्स फॉर चेकअप डायग्नोस्टिक रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फॉर फीस ऑफ द सर्विसेज अवेलेबल। ई हॉस्पिटल में क्या रहेगा कि अगर आप लोगों को किसी भी पर्सन को ब्लड की ज़रूरत है वो सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, कहाँ से हमें ब्लड मिलेगा, कोई भी ऐसे चेकअप जहाँ पर आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी है या फिर रजिस्ट्रेशन करवानी है या फिर फी पे करनी है, तो इस सर्विस के थ्रू वहाँ पर आप लोग उसको अवेलेबल बना सकते हो। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या गया, बायोमेट्रिक यानी कि थंब प्रिंट जैसी सिस्टम जहाँ पर पर्सन अटेंडेंस वहाँ पर उसको बायोमेट्रिकली लिया जाए, ताकि उसी के थ्रू वो पता चले कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अवेलेबल था या नहीं है, कि वो छुट्टी पे है या फिर उसको लीव में है या फिर उसके रिलेटेड वहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम भी लाई गई है। स्वच्छ भारत मिशन ऐप टू प्रोमोट क्लीनलीनेस एज नेशन वाइड मिशन। स्वच्छ भारत ऐसी एक मिशन ऐप्स है जहाँ पे हम लोगों को ऐसा प्रमोट उसको किया गया है ताकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे नेशन में वो एक ऐसा मिशन है ताकि पूरे नेशन में हम लोग उसको क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छ भारत उसको बना सकें। टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स फॉर ब्लैक मनी ई रिडक्शंस। यानी कि ब्लैक मनी कितना सारा है तो वहाँ पर IT डिपार्टमेंट क्या करे, चेक करेगा जो भी पैन कार्ड यूज़ नहीं करता है या फिर जिसके पास पैन कार्ड से भी जो भी हम लोग दिखाते हैं वो ऑटोमेटिक वहाँ पे पता चलेगा कि भी इसके पास टेक्नोलॉजी के थ्रू में पता चलेगा इसके पास ब्लैक मनी है या नहीं है उसी के थ्रू। ई संपर्क एप्लीकेशन टू प्रमोट कम्युनिकेशन इन रीजनल लैंग्वेज। ई संपर्क में क्या रहेगा कि हम लोगों को पता नहीं कि कन्नड़ लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, हम लोगों को नहीं जानते कि कन्नड़ लैंग्वेज क्या होती है, किस तरह से हम लोग उसको बोलते हैं, तो वहाँ पर ई संपर्क के थ्रू, इस एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ पर प्रमोशन ऐसा प्रमोट किया जाएगा ताकि आप लोग दूसरे रीजनल पर्सन के साथ उसके उसी की लैंग्वेज में आप लोग बातचीत कर सको। जॉब ग्रोथ थ्रू द BPO। यस कि जो भी हमारे BPO एजेंसीज होती है वो आप लोगों को जॉब मिलने के रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाएगी। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान टू मेक रूरल हाउस होल्ड डिजिटली लिटरेट। यस
कि इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस अभियान के थ्रू सामने वाले जो भी रूरल एरियाज है जहाँ पर डिजिटली लिटरेसी यानी कि जो भी बच्चे नहीं पढ़ पाते, इस अभियान के थ्रू वहाँ पर बच्चे इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि डिजिटली वो लिटरेट हो सके। सो दिस थिंग विल बी कॉल्ड एज अ डिजिटल इंडिया। तो ये सारी सर्विसेज आप लोग MyGOV.in वेबसाइट के थ्रू आप लोग उसको देख भी सकते हो, उसको यूज़ भी कर सकते हो, ताकि आपको पता भी चले कि कौन कौन सी सर्विस में क्या हमें चाहिए, कौन कौन सी सर्विस में क्या हमें कहाँ वो सर्विस हमें हेल्पफुल होगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर आप लोगों को दी गई होती है।